यहाँ पे मरी मानसी बेबे भी है, या अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग खेल का ही है, ब्रॉन्ज जीती है। आज योगेश्वर भाई साहब का जन्मदिन भी है। अभी सीधा दिल्ली से ही आए हो? जी, अभी एयरपोर्ट से अभी गुड़िया को लेके आए थे, अभी मानसी को। अच्छा भाई साहब, नमस्कार, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या समस्या आई थी भाई, अचानक इसको जाना पड़ेगा, नहीं तो कैंसिल होगा था? विरोधी गैंग है जो कि कुश्ती को जीता जागता नहीं देखना चाहता। उन्होंने ऐसी अड़चन डाल दी थी कि ये बच्चे जा नहीं सकते थे। खेल मंत्रालय से मंजूरी दे कर और इनको भेजने का काम किया है, इसलिए हमारी इस बहन का मेडल आया है। कितने साल तैयारी करी कुश्ती की? अभी तो 10 साल हो गए हैं। और सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। भाई इस टाइम अपा रोहतक में हाँ, योगेश्वर जी के घर पे, और मंदीप भाई साहब भी हैं, मरिया बेबे भी है, रमेश भाई साहब भी हैं, और सारे मित्र हैं यहाँ पे। दो दो खुशी सेलिब्रेट करी जा रही है। मानसी मरी मानसी। अच्छा, तो भाई यहाँ पे मरी मानसी बेबे भी है, या अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग खेल का ही है, और ब्रॉन्ज जीती है ना जी? ब्रॉन्ज जीती है, और सारी बात करेंगे। और आज योगेश्वर भाई साहब का जन्मदिन भी है, तो सब सही बात करते हुए मंदीप भाई साहब। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई। अभी सीधा दिल्ली से ही आए हो? जी, अभी एयरपोर्ट से अभी गुड़िया को लेके आए थे, अभी मानसी को। अच्छा जी, तो ब्रॉन्ज इसका आया जी। एक सीधी सी बात पूछूंगा, इसने कितने साल तैयारी करी, और अब आगे जो ओलंपिक होना है उस खातर और कितने की तैयारी की जरूरत है? देखो, अगर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर मेडल आता है तो लगभग 10-12 साल की मेहनत तो करनी पड़ती है बच्चे को, और उसके बिना तो, उसके बाद फिर बच्चा किस हिसाब से अपना गेम करता है, वो सारी चीज़ महत्व रखती है। और अभी आने वाले अगर ओलंपिक की बात करें तो उसके लिए अभी जैसे इनके साथ जो भी कंपटीशन हुआ है बच्चों के, इनके साथ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो भी रेसलर थे, उसके हिसाब से हमारे को भी और जो कमियों पे काम करना है और जो मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी जैसे जो बाउट हुई है वो काफ़ी टफ बाउट थी। अच्छा जी, तो भाई देखो यहाँ पर अगर मैं बड़ी वीडियो बनाऊँ तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी साथ में थी, यूनिक अकेली पहलवानी में राजनीतिक तौर पर पता नहीं कितने कंपटीशन में को गुजर के या बेबे गई है, और जिस दिन जाना था उसे दिन पता चला भाई, उसे दिन रास्ता खुला कि भाई आज हम चले जाओ, नहीं तो इनका कैंसिल होया बैठा था। पहलवान साहब से बात कर रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई धन्यवाद, बहुत बहुत। अच्छा, इब जुकरिया बेबे आई है, अब इसने कितनी और हैवी तैयारी करनी पड़ेगी, और इसको क्या आप सजेशन करोगे? सबसे पहले तो मानसी को वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले गिनेस गुणी पहलवान है, चाहे लड़कों में हो चाहे लड़कियों में। ओके, और बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतना। और खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीते, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते, और एक समय था कि तरस जाते थे, मेडल नहीं आता था हमारा। और अभी लड़कियों में शायद ये 5-6 ही पहलवान होंगे मुश्किल से जिसके वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हैं। तो अभी ये 59 kg में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आई हैं, बहुत खुशी है, और उम्मीद है कि अगला जो ओलंपिक होगा 2028 का, तो उसमें देश के लिए मेडल जीते। वैसे पिछली बार भी ये जैसे ये अपने अंशु मलिक है, उस 57-55 का वेट है, अक्षय उनका है, नहीं ओलंपिक में 57 है ना, 57 में ये ओलंपिक के लिए भी ट्राई की थी प्रंशु और ये मलिक, और ये एक ही वेट में है। पर ये अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो भी ऊपरले वेट में वजन में इसका मेडल आया है। तो यही है कि अभी एशियन गेम्स है, क्विंकलनाथ गेम्स से कुछ दी बार होगी, वो बड़े हमारे खिलाड़ी बड़ा एक दुखद मैसेज है। हाँ, मैसेज है पूरे, क्योंकि 10 खेल ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, पर ये चलता रहता है, एशियन गेम्स में मेडल जीते और ओलंपिक जब 2028 में ओलंपिक हो तो ये देश के लिए मेडल जीते। और वैसे तो सब हम सभी जानते हैं इसको, जो पहलवानी जीत के सभी लोग बच्चे जितने पहलवान हैं जो भी कुश्ती प्रेमी है इसको जानते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनती है, और उसकी मेहनत से ही इसने आज यहाँ तक पहुँची है। भविष्य उज्ज्वल है, खूब मेहनत करे। कोच साहब हैं इसके, जो कोच हैं मंदीप कोच साहब, जो दिन रात इनके साथ लगे रहते हैं। बस यही है कि कुश्ती का भविष्य उज्जवल है, और लड़कियों में ऐसी लड़कियां मेडल लाती रहेंगी, तो पीछे जो एक
बुरा दौर आया था कुश्ती में, ये मेडल जीत के खुशी का मौका देते हैं और लड़कियों को ज़्यादा प्रेरित करेंगी कि भाई कुश्ती में हमारा भविष्य है और लड़की फिर से वापसी कुश्ती की तरफ करेंगी। ओके, तो भाई अभी बात करेंगे रमेश जी से, क्योंकि वो हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम। भाई क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया भाई साहब। और भाई, अच्छा यह ज़्यादा बड़ी बात नहीं पूछूंगा, क्या समस्या आई थी भाई अचानक इसको जाना पड़ेगा, नहीं तो कैंसिल होगा था? देखिए भाई, पहले तो मैं अपनी बहन मानसी को और उनके कोच को मनदीप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेके आए हैं और देश का नाम रोशन किया है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि एक विरोधी गैंग है जो कि कुश्ती को जीता जागता नहीं देखना चाहता, उन्होंने ऐसी अड़चन डाल दी थी कि ये बच्चे जा नहीं सकते थे, तो हमारे माननीय अध्यक्ष बबलू भाई हैं, उन्होंने उनके अथक प्रयास से खेल मंत्री से मिले हैं और खेल मंत्रालय से मंजूरी देकर ना और इनको भेजने का काम किया है, इसलिए हमारी इस बहन का मेडल आया है। और मैं यही कहूँगा कि हरियाणा के जो प्लेयर हैं वे कुश्ती की जान भी हैं और देश की शान भी हैं, और मैं आने वाले भविष्य में बहन से यही उम्मीद करूँगा कि ओलंपिक में भी मेडल लेके आए। अभी हरियाणा में चाहे कुश्ती है या कोई भी गेम है, क्योंकि आप कुश्ती के अध्यक्ष हैं, तो कुश्ती को लेके अब आगे की कुछ तैयारियां ऐसी हैं जो सक्रिय रूप से आप और तेज चलाओगे, इनके लिए बहुत सारे फायदेमंद की कोई स्कीम या डाइट वगैरह या कुछ इस टाइप का आने की तैयारियां हैं कुछ ऐसा? भाई स्कीम तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई दिवाली स्कीम है, ये तो मेहनत कर रहे हैं, फेडरेशन पूरी की पूरी इनके ऊपर झुकी हुई है। बीच में बताया कुछ रोड़े अटकाने वाले थे जी, अब भी अपनी ये बहन साक्षी हैं, उनके पति देव हैं सत्यदेव मलिक, उन्होंने सत्यव्रत मलिक काद्यान उन्होंने कोर्ट में एक अप्लीकेशन दायर की थी कि ये पहलवान नहीं जा सकें, पर हमारे पहले ही बताया कि अथक प्रयास से ये जाने में सफल रहे और देश का नाम रोशन किया उन्होंने। ओके, बेबी राम राम। नमस्ते। अच्छा जब आपने पता चल गया था भाई आपका एक बार तो कैंसिल हो गया था प्लान और फिर दोबारा होया, इस बात का पता चल गया था? हाँ जी बिल्कुल, एक दिन पहले ही पता चला था मैं जाने से पहले। कितने साल तैयारी करी कुश्ती की? अभी तो 10 साल हो गए हैं। अच्छा 10 साल में जब नू खबर आई आज जाना है और आज कैंसिल हो गया, तो दुख कितना होया? दुख तो होया ही था जी। अच्छा ये जो चोट लगे हैं, ये आंख सूज जाए हैं, मैंने एक योगेश्वर भाई साहब की फोटो देखी थी जब वे जीते थे, उनकी भी आंख सूज रही थी पूरा, ये फूट जा, ये चोट किस कारण लग, घसीट लगा है? जी बिल्कुल, लड़ते वक्त किसी का सिर लग जाए, किसी का घुटना वगैरह, अक्षो में भी मर्द होएगा दिल नहीं, नहीं तेरी सी तीसी करके, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब कितनी खुशी है जो ब्रॉन्ज मिला है जी, या नु है कि ना गोल्ड मिल जाता तो स्वाद आ जाता? जी ये गोल्ड की तो अलग ही खुशी होती है, लेकिन आगे और मेहनत करेंगे, गोल्ड लेके आएंगे और आगे एशियन गेम्स भी आ रहा है और 2028 में ओलंपिक भी आ रहा है, उसके लिए तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी की सोशल इबे तो आई है, बेबे दो चार दिन, दो चार महीने तो रेस्ट करेगी? नहीं नहीं, कोई रेस्ट नहीं, नहीं। ओके, तो अभी एक बार मनदीप जी से और योगेश्वर जी से फिर पूछ लेवा कि भाई साहब इसका ब्रॉन्ज आया, अभी यह गोल्ड की तैयारी करेगी, ओलंपिक की तैयारी करेगी, इसने अब शायद 10 साल मेहनत करी, कितनी और हैवी मेहनत की तैयारी है या नॉर्मल रूटीन में जो प्रैक्टिस करी है वही सफिशिएंट है? देखिए अब तक जो इसने मेहनत की है वो भी एक जीतोड़ है, हाँ उच्च लेवल की है, क्योंकि ओलंपिक हो या कोई भी टूर्नामेंट हो जो गोल्ड जीतता है, सिल्वर जीतता है, ब्रॉन्ज जीतता है, तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 19-20 का फर्क होता है, तो मेहनत तो इसने अभी भी शायद क्या बताओ जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप से ज़्यादा मेहनत की हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे भारतीय पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं सभी, वो मेहनत में किसी पीछे नहीं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर मेहनत के आधार पे मेडल मिले तो मेडल हमारे खिलाड़ियों को मिले, पर जो एक टेक्निक है, जो टैक्टिक है, जो बच्चों को एक अलग अलग तरीके से करने की ट्रेनिंग है, उस तरीके की अभी हमारे खिलाड़ी उस लाइन पे चले हैं और उसका हमें फायदा मिला, मेडल में जीतने लगे हैं अभी 4 साल लगातार, हाँ लगातार 5 ओलंपिक में कुश्ती में हमने मेडल जीते हैं, और बार जहाँ भी हमारे खिलाड़ी पहलवान जाते हैं तो मेडल लेके आते हैं, तो इसने तो पहले भी मेहनत की है, तो वो ओलंपिक को लेके की है, अभी यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल आया है, ब्राउन सिल्वर गोल्ड, मेडल तो मेडल होता है पर गोल्ड की बात अलग होती है, और मेडल नहीं है तो नहीं है, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेडल के लिए, गोल्ड के लिए मेहनत करें, जहाँ भी जाइए सोच के जाना कि देश के लिए गोल्ड जीतना है जी। और सबको पता है कि भाई लड़कियों में बहुत ज़्यादा
लड़कियों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें हैं और अभी पूरा भविष्य इसका है। बड़े कम टाइम में एक अच्छे मुकाम तक पहुँची है, तो भविष्य उज्ज्वल और हम सब कामना देते हैं कि आने वाला समय इसका और ये देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीते, गोल्ड जीते। जी मनदीप भाई साहब, आपसे एक सवाल, जो यो बुरा दौर कुश्ती का गया है या जिस तरीके से भी गया है, उस दौर में क्या कोच ने भी डर हो गया था कदे कल ने थर पे भी आरोप लग जावे, कदे फंस जावे? आप भी ऐसा होया था कि आपके दिल में यार हम भी थोड़ा दूर रह के सिखा लें तो बढ़िया है, कदे कल ना कोई छो मार पे फिर उतार जी, इस टाइप की कोई बात हो जाओ तो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, अपना काम करना, जो अपना काम करे रूटीन का वही था, उसमें कभी हम नहीं तो है नहीं भाई कोई किसी तरह की कोई बात हो ऐसा कोई ना, हमारे पास कोई ऐसी बात आई, अपना काम है जो अपना काम कर रहे हैं। अब इस गुड़िया ने, इस बेबे ने और कितनी तैयारी, आप स्पेशल सोचोगे भाई ओलंपिक के लिए तो वो स्पेशल करेंगे, अभी तक नहीं करा, ऐसा कुछ है? नहीं देखो ऐसा तो नहीं है, बाकी जैसे ओपोनेंट है उनकी जैसे बाउट वगैरह को देख के थोड़ा ये वर्क करना पड़ता है, और हमारे पहलवान जी है ओलंपिक मेडलिस्ट है और देश के सब अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हम इनसे भी लेते रहते हैं, समय समय पर आते हैं ग्राउंड पे। यह बात सिर्फ बड़ाई खातर कहो, असली में जरूरत भी पड़े हैं। पहलवान जी हमारे पास आते हैं स्टेडियम में भी आते हैं और अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर में ये नहीं है कि कोई लड़की, अभी एक दो लड़की है, अभी ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जहाँ पे हमारे जैसे मेरे खिलाड़ी या स्टेडियम के हमारे छोटराम स्टेडियम से खिलाड़ी मेडल नहीं जीत के आए, ओलंपिक में भी मेडल आया है साक्षी मलिक, वो भी हमारे पास में करती थी स्टेडियम में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पूजा गहलोत उसने मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मानसी ने जीता है, श्वेता लड़की है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी, गोल्ड जीत चुकी है, और एक मनीषा लड़की है उसने सीनियर एशिया में मेडल जीता है, तो एशियन गेम्स में भी मानसी मेडल बाउट चुक गई थी, वो भी फिफ्थ पोजिशन आई थी वैसे तो। बाकी ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जहाँ मेरे यहाँ स्टेडियम से खिलाड़ी को मेडल नहीं जीता है। तो सरकार से या फेडरेशन से किस वो चीची, रमेश जी भी आपके पास बैठे हैं, पहलवान जी भी बैठे हैं, सरकार और फेडरेशन दोनों ही आपके पास है, क्या चीज़ की ज़रूरत है? देखो जो भी हमारे को भी जो भी टाइम पर जरूरत होती है हम साथ में साथ डिस्कस, कोई इक्विपमेंट कुछ वो भी जो भी कर लो मांगे तो नहीं हैं। वो जब टाइम होगा जहाँ उस टाइम उसकी हो जाएगी, कोई बात नहीं उसको। जी तो रमेश जी से फिर एक बात आखिरी, भाई साहब क्या लगा है भाई पहलवानों को किस चीज़ की और जरूरत है, इक्विपमेंट या जो कर हम विदेशा में देखा उड़ो कुछ नई चीज़ पावे है कई बार? देखो भाई पहलवानों ने जिस भी चीज़ की जरूरत होगी हमारा हरियाणा कुश्ती संघ और भारतीय कुश्ती संघ 100% पहलवानों के साथ खड़ा था, पहलवानों के साथ खड़ा रहेगा, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी हम इनको मुहैया कराएंगे। जी भाई किस चीज़ की जरूरत लगा भाई हमने उस चीज़ की कमी थी जी या तुम्हारी पूरी होनी चाहिए? देखो टाइम पे जिस चीज की कमी लागे वो तो बताए दे मां जी, फिर अब फिलहाल को तो अभी तो ठीक ठाक सब। हां जी चलो, तो फिलहाल तो भैया वीडियो इतनी है, बैठ कर बहुत सारी चर्चाएं करी जा सके इस विषय पे, फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू भाई।